है जिनके मकान खुद के नहीं है, किराए पे हैं, 4,000 से नीचे हमें मकान नहीं मिलता, तो आगे 4,000 हम किराए वाले के आगे क्या खिलाएं, बच्चों को क्या पहनाएं। इतना हमने काम किया, सरकार ने क्या सोचा हमारे लिए। स्वास्थ्य विभाग के सुविधा पर लगे कर्मचारी लगातार 2 घंटे का अपने कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। कई दिनों से चल रहा है यह सिलसिला। सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें स्थायी नियुक्ति दी जाए, और जो मेन ताना है मानदेय है वह बहुत कम है, और महंगाई के युग में अपना काम अपने परिवार को पालना बड़ा हो रहा है मुश्किल, लेकिन सरकार इनकी ओर नहीं देख रही है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और अशोक गहलोत सरकार के द्वारा प्रत्येक लोगों को और कर्मचारियों को एक तरह से राहत देने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन सुविधा कर्मचारी वहीं के वहीं खड़े हैं। और इनके वेतन की बात करें तो 7,000 और 8,000 के बीच में इन्हें वेतन दिया जा रहा है, और कोई 5,000 वेतन पर काम कर रहा है। इस प्रकार काम इनसे जो लिया जाता है वह अगर उसका आंकलन करें तो वह काम करोड़ों में है और उसका मेन ताना हजारों में है। इस प्रकार की बातें उठ रही हैं, और वहाँ पर जो कर्मचारी सुविधा पर लगे हुए हैं उनका यही कहना है, उनका यह आरोप है, सरकार को हम बार बार बता चुके हैं, अपनी समस्या को उनके आगे रख चुके हैं, लेकिन यह जो काम होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से कोई भी हमारी तरफ कोई संकेत राहत का आए ऐसा हमें अभी तक नहीं दिखा है। चलिए सुनते हैं इनकी क्या है पीड़ा। राज्य के चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के अंदर यह सिलसिला लगातार बहिष्कार का चलाए हुए हैं। चलिए सुनते हैं कि आखिरकार इनके मांग के अनुसार सरकार से क्या चाहते हैं, सुनिए। मेरी श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से ये निवेदन है कि हम मैं 2013 तीन दिन से काम कर रही हूँ, आज मेरे को 10 साल हो चुके हैं ड्यूटी पे चले गए, और जो हमारी सैलरी थी जब हम लगे तब हमें 3100 का चेक दिया जाता था, आज सिर्फ 5700 रुपये हैं। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये देखो कि 5700 रुपये में कोई इंसान कैसे अपना घर चलाएगा। मेरी तरह जो इंसान बैठे हैं जिनके मकान खुद के नहीं है, किराए पे हैं, 4,000 से नीचे हमें मकान नहीं मिलता, तो आगे 4,000 हम किराए वाले के आगे क्या खिलाएं, बच्चों को क्या पहनाएं, क्या शिक्षा दें। इतने दिनों से क्या सरकार, हम ये जो कोविड में लगे काम किया, हमने बंदों की तरह सिलेंडर उठाए, बॉडियां पैक की, कोविड के सैंपल लिए, जब सरकार ये कहती है कि एक डॉक्टर वहाँ जाता है, एक नर्स स्टाफ होता है, उसके साथ में हमारी भी चेन होती है कि हम हेल्पर हैं, हम गार्ड हैं। इतना हमने काम किया, सरकार ने क्या सोचा हमारे लिए। उनसे मेरी हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है कि अब तो सुनो, कब तक। नहीं सर, किसी ने आगे ये नहीं पूछा है कि क्यों बैठे हो, क्या दिक्कतें हैं। ये सरकार सुनती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुनती है तो अब 2 घंटे का जो कार्य बहिष्कार है वो पूरे दिन का करेंगे। नाम निर्मला है, मैं हरपुर की पोस्ट में हूँ, महात्मा गांधी गवर्नमेंट ऑफिस। हमारा 5 दिन से यहाँ धरना 2 घंटे का कार्य बहिष्कार चल रहा है। हमारी सरकार से निवेदन है कि ठेका प्रथा बंद करके और सरकारी एजेंसी के माध्यम से इनको नियुक्ति की जाए, हमारे सभी साथियों की, और जो न्यूनतम मजदूरी है उस हिसाब से हमारा जो है सही भुगतान नहीं हो रहा है, तो हमारा शोषण हो रहा है हमारे साथियों का जो 8-8, 10-10 साल से यहाँ लगे हुए हैं। मैं सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिन जो पैसे इनको मिल रहे हैं 5,000, 8,000, 7,000 उनमें गुजारा नहीं होता। सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं वो सोच के देखें कि जो 10 साल से कार्य कर रहा है 5,000 में वो कैसे अपना गुजारा करता होगा, ज़रा अपने दिलों पे हाथ रख के सोच के देखें। तो मेरा सरकार से गुंजाइश है, हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि इनको ठेका प्रथा बंद करके सरकार की एजेंसी के माध्यम से इनको नियुक्ति दी जाए, ताकि इनका भला हो सके और इनका पालन पोषण इनके परिवार का अच्छी तरह से हो सके। मैं चंद्रवान तिवाड़ी, निविदा सुविधा कर्मचारी संघ का संरक्षक और तकनीकी कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष। वैसे देखा जाए तो सरकार कोई भी हो, बीजेपी सरकार हो या फिर कांग्रेस सरकार, स्थायी नियुक्तियां करना वह बिल्कुल ही बंद कर चुकी है, और बहुत थोड़े पदों पर स्थायी नियुक्तियां हो रही हैं, बाकी सब नियुक्तियां सुविधा के आधार पर दी जा रही हैं। काम उनसे ज़्यादा लिया जाता है लेकिन मेहनताना कम।
आखिरकार महंगाई के युग में उनका परिवार कैसे चले, यह सबसे बड़ी समस्या है। जब काम आप 50,000 या 1,00,000 कर्मचारी वेतन लेने वाले के बराबर ले रहे हैं, लेकिन मेहनताना 10,000 से नीचे ही रखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्थायी नियुक्ति आपने करनी नहीं, संविदा पर जो लगे हुए हैं उनको पूरा मेहनताना देना नहीं, उनका शोषण हो रहा है और उनके साथ एक तरह से धोखा ही हो रहा है। उनकी मांग यही है कि हमें जितना काम लिया जाता है उसका कम से कम नियोजित मेहनताना तो दिया जाए। देखते हैं, सरकार जागती है, चुनावी वर्ष है, क्या पता इनकी तरफ भी अशोक गहलोत की ठंडी नज़र पड़ जाए।